हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज आर व्लॉग्स। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ डलहौजी के एक टूरिस्ट स्पॉट में। वो जगह है पंचपुला। तो पंचपुला जो जगह है वो एक तरह से शहीद स्मारक भी है और काफ़ी अच्छी वादियाँ हैं वहाँ से देखने का नज़ारा है। जितने भी टूरिस्ट आते हैं हिमाचल में डलहौजी में, तो वो ज़रूर वहाँ पर घूमते हैं। तो एक बहुत अच्छी जगह है। तो चलिए, मैंने सोचा कि आज मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में, देखते रहिए आर व्लॉग्स एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं हम पंचपुला डलहौजी। यहाँ से डलहौजी अभी 4 किलोमीटर बाकी है और ये बहुत ही खूबसूरत रोड है और कैंटोनमेंट एरिया है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। पहुँचे हैं, यहाँ से डलहौजी 2 किलोमीटर रह जाता है। तो यहाँ पे है एक फेमस सेंट एंड्रयूज चर्च जो अंग्रेज़ों के ज़माने से यहाँ पे बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल जगह है। और ये है डलहौजी कैंट, जिसको छावनी बोलते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे। ये है डलहौजी कैंट, छावनी के कुछ मेमोरियल्स। डलहौजी में हम एंट्री करते हुए गांधी चौक वाली रोड पे जा रहा हूँ और वहाँ से हमें टर्न लेना होता है और हम गांधी चौक पे जाके, जिसको हम जीपीओ बोलते हैं, वहाँ से हमें एक डाइवर्जन हमें मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा जिससे हम जाएंगे अपने पंचपुला की तरफ। तो चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों, मैंने कार पार्क कर दी है यहाँ पे रोड के साइड में और अब हम चलते हैं जहाँ पे हमारा शहीद स्मारक है, इसको बोलते हैं पंचपुला। तो चलिए देखते हैं कि वहाँ पे क्या हमें मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ
थोड़ा बहुत टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पे कुछ एडवेंचर्स करने के लिए भी है। जिप लाइन है और एडवेंचर नियर बाय जो हम हिमाचल में बोलते हैं खड, मतलब छोटी सी नदी जो होती है उसको खड बोलते हैं। तो यहाँ पे बस इस तरह का कुछ नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसी को इन्होंने कवर किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छा स्पॉट है डे आउट के लिए, जस्ट फॉर अगर आप पिकनिक के लिए आना चाहते हो तो आ सकते हो यहाँ पे। दोस्तों मैंने कॉफी ऑर्डर कर दी है यहाँ पे, एक छोटा सा व्लॉग रिलेटेड टू एक टूरिस्ट स्पॉट दैट इज कॉल्ड पंचपुला, जो कि एक शहीद स्मारक है। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं है, लेकिन एक फैमिली आउटिंग के लिए बहुत बढ़िया है। और आप यहाँ पे जब भी डलहौजी आएँ तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें, ये बहुत ही एक प्यारी और शानदार जगह है। आज अपने एक स्टूडेंट से मिला हूँ, वो GNPS स्कूल में पढ़ाता था, मैं 8th क्लास में, 9th में सर, 9th, अब 9th में हो गया ना? नहीं, मैं तो प्लस 1 में हो गया हूँ। अच्छा, अब 9th में पढ़ा। ठीक है, ठीक है। और कहाँ पे अभी कर लिया शिफ्ट? जीएसएस ब्लॉजी में। मैं अभी तुम्हारी जगह गया था, मतलब यहाँ पे पंचकूला में ना। तो चलो ठीक है, देखना आर ब्लॉग्स चैनल, ठीक है? ठीक है फिर, है ना? ओके। सुंदर नज़ारा दोस्तों, हमारा घर जो है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ आर व्लॉग्स।